हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कभी कभी जैसे हम सिलाई करने बैठते हैं, तो जब हम सिलाई करते हैं तो वो कपड़ा पूरा खिंच जाता है। तो वही बात आज मैं आपसे शेयर करूँगी। और एक और बात कि फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है द नू टेलर्स, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। लेकिन मेरा एक और चैनल है नूर फैशन वर्ल्ड, अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम जैसे ही सिलाई करने बैठते हैं तो ये कपड़ा पूरा खिंच जाता है। तो चलिए मैं आपको करके ही दिखाती हूँ किस तरह होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये कपड़े के बिल्कुल धागे खिंच चुके हैं और ये सिलाई भी कुछ अच्छी नहीं आ रही, पूरे में इस तरीके से धागा खिंचा हुआ है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है सुई। अगर जो हमारी सुई है वो ख़राब हो जाती है तो इस तरीके से जो हमारा कपड़ा है उसके धागे खिंच जाते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि सुई ख़राब हो चुकी है आपकी? तो आप जब इस तरीके से उंगली लगाएंगे दोनों साइडों से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है या खुरदुरा सा लग रहा है, तो समझिए कि आपकी जो सुई है वो टेढ़ी हो गई है। तो इसलिए होता है ये कि सुई टेढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको सुई बदल के और फिर से स्टिचिंग करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो नीचे वाली मैंने अभी लगाई है सिलाई, और बहुत ही फिनिशिंग से लगी है। और आप ये वाली भी सिलाई देख सकते हैं। तो बस ये इसका एक ही कारण होता है। तो ये आपकी सुई जब ख़राब हो जाती है, ये टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है ऐसा। तो अगर आप अपनी सुई चेंज कर लेंगे तो आपकी मशीनें वापस से सही चलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।